इस वेले असी खड़े हैं अंबेडकर चौंक के विखे जिथे अज साहब श्री बाबू कांशी राम जी का जन्म दिहाड़े से एक विशाल रैली का आयोजन BSP जिहड़ी वल्लों किया जा रहा है तो असी गल करांगे अज तुसीं किस तरह मना रहे जी। मैं हरजीत सिंह लौंगिया वाइस प्रधान बहुजन समाज पार्टी पंजाब प्रधान सैनी महासभा पंजाब अज 15 मार्च मानेवर साहब श्री कांशी राम जी का जन्मदिन जो कि पिंड खवासपुरा विखे 15 मार्च 1934 में जन्मे अते इत्थे दी व्यवस्था देख के मानवर साहब श्री कांशी राम जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अधूरा पिया सुपना साकार करन दे लई बहुत बड़े पैमाने ते इस मूवमेंट नू इस देश अंदर अगे लियांदा अते बहुजन समाज नू एक अपना नवा घर बहुजन समाज पार्टी बना के दिता। अज बहुजन समाज पार्टी पूरे 117 विधानसभा हल्कों से रथ यात्रा कढ के रथ यात्रा मोटरसाइकिल रैली पंजाब बचाओ रथ यात्रा मोटरसाइकिल रैली कढ के मानेवर कांशी राम जी को याद किया जा रहा है। बख बख पिंडां दे विच जाके बहुजन समाज पार्टी लोगों को मानेवर कांशी राम जी के बहुजन समाज प्रति जो उन्हां दी देन है उन्हूं अगे लियावेगी घर घर पहुँचावेगी। लगभग अज का जो मोटरसाइकिल रैली आ वह लगभग 70 पिंडा में जाएगी। साड़ी समाप्ति मानेवर कांशी राम जी के जद्दी पिंड खवासपुरा विखे होगी। इस दे नाल ही बहुजन समाज पार्टी 2 अप्रैल नूं एक बहुत बड़ा ला मिसाल रैली महारैली करन जा रही है मानेवर कांशी राम जी के जन्मदिन नूं समर्पित जो कि लखां दा इकट्ठ होगा। उहदे विच साढ़े पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के इंचार्ज रणधीर सिंह बैनीपाल जी पंजाब के इंचार्ज बिपल कुमार जी पंजाब के प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी जी उस महारैली नूं संबोधन करनगे। लोगों की अज बहुत वड्डी लामबंदी है क्योंकि कांग्रेस के BJP जी पंजाब ते केंद्र दी सरकारां ने समाज नूं कुछ नहीं दिता सगो रोले ही है। अज डीजल पेट्रोल का मसला चाहे अनेक मसले जो कि किसानी के मसले किसानी भी मजदूर भी अज रुल रहा है सड़कों पर इस लामबंद करन दे लई लोगों लामबंद करन दे लई बहुजन समाज नूं इकट्ठा करन दे लई अज बहुजन समाज पार्टी तीजे बदल के रूप च पंजाब च उभर रही है। आने वाला समा बहुजन समाज पार्टी का होगा। आने वाली 2022 की इलैक्शन राज सत्ता असी कब्ज़ होवांगे इन्हें कहता होया जय भीम जय भारत जी। धन्यवाद जी। इस तरह हरजीत सिंह लौंगिया जिन्होंने जानकारी दी अज की जिस विशाल रैली के संबंध में साढ़े प्रधान जी हैं। प्रधान जी तुम दस्यो जरा भी शॉर्ट के जरा रैली कितों चलनी है तो कि इलाके होंगी कितने समाप्त होनी। अज बहुजन समाज पार्टी विधानसभा हलका रोपड़ के मोटरसाइकिल रैली साहब कांशी राम जी के 87वें जन्मदिन में समर्पित कर रही है। ये मोटरसाइकिल रैली सब तो पहला अंबेडकर चौंक रूपनगर विखे तो शुरू होगी। बाजारों के सारे रोपड़ घूमती हुई रंगीलपुर मियाँपुर इधरों होंगी हुई परखाली परखाली तो बाद हिरदापुर खेड़ी फिर उस तो बाद फतेहपुर माजरी माजरी तो बाद खवासपुरा विखे असी सारे लोग कट्ठे हो के अज साहब का जन्मदिन बड़े शानो शौकत नाल मना रहे हैं। और इनू 15 मार्च 2021 की मोटरसाइकिल रैली ही ना समझो असी बहुजन समाज पार्टी 2022 के इलैक्शन का शुरुआत भी कर रहे हैं। अज पूरे पंजाब दा विच बहुजन समाज पार्टी मोटरसाइकिल रैली दे नाल सारे पंजाब दे विच हाथी घूम रहा है। इस हाथी घूमण दा नाल लोग बड़े पैमाने के हर वर्ग के हर धर्म के लोग इस रैली विच जुड़ रहे हैं इस मिशन नाल जुड़ रहे हैं। असी बहुजन समाज पार्टी 2022 नूं फतेह करन वास्ता अज दा जिहड़ा शुरुआत कीती है और साहब कांशी राम जी दे जद्दी पिंड 2 अप्रैल 2021 नूं असी लखां दी तादाद विच लोकां नूं लामबंद करना साहब कांशी राम जी दे ग्रह विखे असी महारैली करन जा रहे हैं जिहड़े कि दुश्मन दी सरकारां दी
मत्थे ते किल साबित होगी। इन्ना ही कहता होया रजा चाहना जय भीम जय भारत। जी हाँ, जिहड़ा 2022 का आगाज जिहड़ा अज इस रैली तो और जन्मदिन तो शुरू करके तो अज यह दिखाया जाएगा वख वख इलाकों के जिमें कि परखाली तो होंदे होए तो यह सारी रैली चलेगी। हाँ जी पिंडी साहब, तुसीं दसो जरा दो शब्द जिहड़े अज की रैली दे। अज पूरे पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी वालों मान्यवर साहब कांशी राम जी के जन्म दिवस दे नूं समर्पित और जो काले कानून है जो मोदी सरकार दे उन्हां दे खिलाफ पूरे पंजाब दे विच सारे जिला हैडक्वार मतलब सारे विधानसभा हल्कों के उत्ते जिहड़ा स्कूटर मोटरसाइकिल रैली की जा रही है और इसी लड़ी तहत अज रोपड़ विधानसभा हल्के की जिहड़ी रैली की जा रही है और जो सरकार दीआं नलायकीआं जो महंगाई है डीजल पेट्रोल दीआं जिहड़ियां कीमतां और होर जिहड़े हैगे आ लोक मारू नीतियां दे खिलाफ जिहड़ी आ अज दी रैली जिहड़ी की जा रही है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100-125 ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਜੌਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 87ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ BSP ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਪੜ TV 1 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ BSP ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।